इन वर्दी वालों पर देश की जिम्मेदारी होती है, इन वर्दी वालों पर देश की जिम्मेदारी होती है, यूं ही नहीं इस वर्दी में इतनी खुददारी होती है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं वर्दी की खुददारी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक मुलाकात में आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी शख्सियत से who dons this uniform। जी हाँ, हमारे साथ है IPS संजय सिंह। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अपनी वर्दी के प्रति निष्ठावान, अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार और दिल्ली पुलिस को अपनी 33 वर्षों की सेवा देने वाले, ये हैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रहे IPS संजय सिंह। आपने अपने कार्यकाल में कितने ही खूंखार अपराधियों को पकड़ा और समाज को सुरक्षित किया। मसूरी के ओक ग्रूव स्कूल से अपनी आरंभिक शिक्षा लेने वाले IPS संजय सिंह बचपन से ही घूमने के शौकीन हैं। पिताजी रेलवे में कार्यरत थे तो देश के अलग अलग हिस्सों में जाना लगा रहता था। आपने लखनऊ के केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई की और फिर पिताजी का ट्रांसफर इन्हें ले आया देश की राजधानी दिल्ली। पुलिस में भर्ती होने का सवाल दूर दूर तक नहीं था, लेकिन दिल्ली के हिंदू कॉलेज में दाखिले के बाद शुरू हुआ आपका IPS बनने का मेहनत भरा सफर। इनकी पहली पोस्टिंग दिल्ली में ACP रोहिणी के रूप में हुई। इसके बाद आपने देश के विभिन्न हिस्सों जैसे गोवा और अंडमान निकोबार में भी कार्यभार संभाला और फिर दिल्ली में उस वक्त के सबसे जटिल एवं संवेदनशील केस काउंसलर आत्माराम गुप्ता की हत्या की गुत्थी को भी सुलझाया। 3 दशकों से भी अधिक समय तक आपने दिल्ली की कानून व्यवस्था को संभालते हुए दिल्ली के नागरिकों की सेवा की और आने वाले हर अधिकारी के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जैसा हमने अपने व्यूअर्स को बताया कि इन वर्दी वालों पर देश की जिम्मेदारी होती है, तो जब हम आपकी खुददारी की बात करते हैं तो वो भी इसी वर्दी से आती है? बिल्कुल, इट्स अ प्राउड प्रिविलेज टू वेयर द यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म जो है हमारी शख्सियत बन जाती है, एंड स्पेशली द फर्स्ट डे व्हेन यू वेयर इट, द प्राइड विद व्हिच यू फील, यू नो, यूनिफॉर्म पहनने में उसका एक चार्म ही अलग है। जी, और मैं जैसा देख पाती हूँ आप ट्विटर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और पिछले कुछ समय तक आपने ट्विटर पर अपनी एक फोटोग्राफ बड़ी पिन करके रखी थी जिसमें आपने पहली बार शायद वर्दी पहनी थी, तो उस मोमेंट को आप हमारे साथ शेयर करेंगे? एक मेमोरेबल डे है, मेरे को याद है जब हम लोग एकेडमी पहुंचे थे तो सबसे पहले जो एकेडमी में जो किया जाता है आपके बाल काटे जाते हैं, इट वाज अ बार्बर शॉप जिसपे कि 2-3 कुर्सियां थी और एक एक करके हम लोग जा रहे थे और बाल बिल्कुल ही छोटे कर दिए गए थे जब सबसे पहली बारी काटे गए थे। सो बट इट वाज गुड, इट वाज नाइस, वी ऑल एंजॉयड इट, एंड यू वो द यूनिफॉर्म तो एक बहुत ही प्राइड की अनुभूति होती है। मैं आपके करियर की भी बात करूं तो आपने भी बहुत सारे मतलब ऐसे हीनियस क्राइम हैं उनको भी आपने डील किया है, तो किस तरह से आप देख पाते हैं कि जो कुछ आपको ट्रेनिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको जब आप लोग यथार्थ होते हुए देखते हैं, सो हाउ मच डू यू फील दैट देयर इज अ रिसेम्बलेंस बिटवीन दैट ट्रेनिंग एंड द यू कैन से द एक्चुअल प्लेटफॉर्म वेयर यू आर इनएक्टिंग योर पार्ट एज अ प्रोफेशनल? देखिए, ट्रेनिंग ऑफ कोर्स प्रोफेशनली आपको लीगल बैकग्राउंड आपको देती है और कई सारी चीज़ें बताती है, बट यू आर रियली टेस्टेड इन द फील्ड जब आप वहाँ पहुँचते हैं, और अगर कोई क्राइम होता है और आप स्पॉट पे जाते हैं, वन शुड ऑलवेज फील दैट ये हादसा आपके साथ भी हो सकता है, आपके परिवार के साथ हो सकता है। वो संवेदनशीलता जरूरी है। बिल्कुल, सो इमोशनल पुलिसिंग इफ यू कनेक्ट विद दैट, तो वो जो जज्बा जो रहता है कि खासकर कि अगर जैसे मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, मेरा एरिया एज DCP नॉर्थ वेस्ट की, अगर कोई शख्स हो, क्रिमिनल हो, कि यहाँ पे आके वारदात करके चला जाए, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अगर पहले ऑफ कोर्स प्रिवेंशन हम लोग चाहते हैं कि हो, बट अगर वारदात हो जाती है तो डेफिनेटली वी यूज्ड टू गिव अ 200% की पुलिसन जरूर पकड़ा जाना चाहिए। जी, व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्ली पुलिस, तो इसकी वर्किंग में आपको बाकी पुलिस फोर्सेस से आप लोग दिल्ली पुलिस को ना केवल भिन्न बल्कि सबसे बेहतर कैसे मान सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में दिल्ली पुलिस को तीसरी सबसे मुस्तैद पुलिस कहा जाता है। जो चैलेंजेस जो दिल्ली पुलिस फेस करती है, दे आर यूनिक। अगर आप देखें तो दिल्ली के अंदर जो ट्रैफिक जो है,
अगर आप बॉम्बे कैलकटा मद्रास सबका ट्रैफिक जोड़ दें उससे भी ट्रैफिक ज्यादा हम लोगों का राजधानी है राजधानी है सो पॉपुलेशन वाइज ऑल्सो मूवमेंट बहुत है बाहर के बहुत लोग यहाँ पे आके बसते हैं बीइंग द कैपिटल सारी आपकी एम्बेसीज यहाँ पे हैं मीडिया प्रेजेंस हर एक जगह पे है इंडिपेंडेंस डे हो रिपब्लिक डे हो सारा जो वर्ल्ड फोकस वर्ल्ड मीडिया के बिल्कुल दिल्ली पे फोकस दिल्ली पे फोकस रहता है तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी चैलेंजिंग जॉब जब आप लोग रेगुलर पुलिसिंग कर रहे होते हैं तो उसमें इस संवेदनशीलता को आप लोग किस तरह से जोड़ के रखते हैं ताकि नागरिक आप लोगों को अप्रोचेबल समझे बहुत जल्दी आप तक पहुंच सके कोई अगर उन्हें दिक्कत है तो खुल के आपसे कह सके पुलिस बनी पब्लिक के लिए तो अगर पब्लिक के लिए आप एक्सेसिबल नहीं है तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर तो जरूरी हम लोग का तो आई रिमेम्बर कि ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स एनी टाइम एवरी टाइम अगर कोई भी शख्स आता है ही वाज ऑलवेज यू नो वेलकम एंड उसकी जो भी दिक्कत हो परेशानी हो एंड हम लोग कोशिश ये भी करते हैं अपने सारे ऑफिसर्स को यही ब्रीफ करना यही उनको बताना और खासकर जैसे आजकल जन सुनवाई का भी एक प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है जिसमें कि कम्युनिटी पुलिसिंग में कोई भी शख्स कभी भी जाके डीसीपी से या बाकी जो ऑफिसर्स जो हैं उनसे जाके मुलाकात कर सकता है नागरिकों के मन में ना एक पशुपेश होता है एक डर है पता नहीं क्यों क्योंकि जब बचपन से जब बच्चा बड़ा होता है ना तो उसको ये सिखाया जाता है कि कुछ गलत करोगे तो पुलिस को बुला लेंगे तो हर किसी के अंदर एक ही डर की भावना तो होती है तो आप लोग किस तरह से इस चीज का यू जस्ट मेक श्योर कि जो नागरिक है वो बिना डर के आपके पास आ सके आई रिमेम्बर जब फर्स्ट टाइम जब हम लोग मैं ट्रैवल कर रहा था और हैदराबाद ट्रेन से जा रहा था तो एक लेडी थी उनके पास एक छोटा सा बच्चा था तो बच्चा रो रहा था तो जब वो रो रहा था तो उसने उसको चुप कराने के लिए वो कहती चुप बेटा चुप हो जा नहीं तो मैं पुलिस बुला पुलिस। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये स्टीरियोटाइप है जो जिसकी आपने बात की चाहे ये उस महिला ने कहा हो या जैसी फिल्म्स होती हैं उसके अंदर एक पोर्ट्रेल एक प्रोजेक्शन एक पुलिस का हो और पुलिस ऑफिसर्स का हो अगर हम काम ठीक करेंगे और हमारा काम बोलेगा और लोगों को विश्वास होगा कि पर यह बात भी तय है मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है सिटीजन अगर कुछ भी फेस करता है तो सबसे पहले 100 नंबर था अब 112 है डेफिनेटली डायल करते हैं नंबर डायल करते हुए डर नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि एक यही नंबर है जो मुझे बचा सकता है बिल्कुल उनको विश्वास है कि डायल किया तो पुलिस पहुंचेगी जरूर तो मित्रों आप सभी लोगों को हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो 100 नंबर है वो अब 112 हो गया है तो जब आप अपनी किसी बात के बारे में दिल्ली पुलिस से अपनी कोई बात साझा करना चाहें या कहीं कोई इंसिडेंट हो गया है जिसके बारे में आप रिपोर्ट करना चाहें तो याद रखिए 100 नंबर तो हमेशा आपके साथ है ही लेकिन उसको आप परिवर्तित करके 112 भी बना दिया गया है सो व्हेन यू वांट टू डायल यू कैन डायल 112 एज वेल सर हम अगर आपकी बात करें जब आपने शुरुआत की अपने ट्रेनिंग के बाद जब आपने अपना कार्यभार संभाला और धीरे धीरे अपनी कार्यशैली में आगे बढ़ते गए तो आज के समय में जब आप पीछे देखते हैं डू यू एक्चुअली रिमेंबर सम ऑफ द इंस्टेंट्स और सम ऑफ द केसेस दैट वर रियली क्लोज टू योर हार्ट मे बी बिकॉज ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन लेवल और मे बी बिकॉज ऑफ द लाइक रियली हीनियस क्राइम दैट वॉज हैपेंड एंड यू हैंडल्ड इट रियली वेल तीन चार किडनैपिंग के केसेस थे जिसमें कि हम लोगों ने जो अर्पण पालीवाल का केस हुआ परक चड्ढा का हुआ जिसमें कि टीम्स वेंट और हम लोगों ने उनको जाके मेरठ से और भी कई कई जगह से जाके हम लोगों ने रेस्क्यू किया सो दोज केसेस आर वेरी सैटिस्फाइंग स्पेशली कि यू सेव अ ह्यूमन बींग्स लाइफ सो दैट इज वेरी क्लोज टू यू मर्डर में मेरे को आत्माराम गुप्ता जो कि काउंसलर थे उनका जो हुआ दैट इज वाज वेरी काफ़ी प्रेशर था उस वक्त एंड पॉलिटिकल प्रेशर भी एट दैट टाइम कि उसको जल्द से जल्द वर्कआउट किया जाए एंड एक महिला इन्वॉल्व थी उसके अंदर सो शी वाज अ काउंसलर अगेन सो प्रेशर बहुत ज्यादा था बट एक महिला वो भी एक काउंसलर एंड इट वाज अ वेरी ट्रिकी केस उसके अंदर बाद में हम लोगों ने
क्योंकि वो बॉडी जो थी उसको एक पुलिस चौकी थी, उन्होंने उस बॉडी को वहाँ से हटा दिया था। तो इवन जो पुलिस चौकी के जो ऑफिसर्स जो लोग थे उनको हम लोगों को अरेस्ट करना पड़ा। तो सर इस तरह के जब सेंसिटिव केस आप लोगों के सामने आते हैं और आप लोगों को उन चीज़ों से डील करना पड़ता है, तो क्या चीज़ है जो आपको एकाग्र रखती है, अपना फोकस बनाए रखने के लिए जो हमेशा मोटिवेट करती है? वी आर ट्रेन्ड स्पेशली यू नो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करना, दैट इज़ आवर मेन टास्क एंड आवर मेन ड्यूटी। और क्राइम क्रिमिनल्स जो भी हैं, राजवीर रमाला का इनकाउंटर हुआ तो माई वाइफ वॉज लाइक शी वॉज अनअवेयर of where I was at that point of time, but when suddenly it was breaking down in the news, so then for the family, of course, these things do impact them also. क्या families को support करने के लिए is there like anything which is being done enough, या फिर आपको लगता है कि नहीं family कुछ समय बाद used to हो जाती है इन चीजों के लिए? Most of the times, especially ACP to DCP level, for it IPS officer, you are in the field and आपके hours late होते हैं, the amount you were आप raids पे होते हैं, कहीं कहीं पे आप you are you know engaged with a lot of और हर situation के बारे में family को पता भी नहीं होता। They are always present with you and they always back you. Many sacrifices we remember, कितने लोगों ने अपनी जान की आहुति दी है, who worked with us and they lost their life फिर, and उसके बाद परिवारों से मिलना उनसे कई बारी, तो I think during your career Nigambodh Ghat is another extension of your space itself, because you are going over there so many times, so it is not easy. और ये जो सर्वोच्च बलिदान ये वर्दी वाले हमारे लिए देते हैं, या फिर ये जो पुलिसकर्मी हमारे लिए देते हैं, हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि जली हुई राख नहीं अमरदीप हैं ये, जली हुई राख नहीं अमरदीप हैं ये, जो मिट गए वतन पर वो शहीद हैं ये। सर इस शहादत को परिवार तो याद रखता है, पुलिस याद रखती है? हाँ हम लोग याद रखते हैं, जो भी शख्स शहीद हुआ है तो कोशिश होती है कि उनके परिवार को में से एक मेंबर को डेफिनेटली एक जॉब विदिन दिल्ली पुलिस दी जाए, दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। बाकी फिनेंशियल हेल्प वो पूरी कमी तो पूरी नहीं कर सकता है, बट डेफिनेटली वॉट एवर इज़ पॉसिबल दिल्ली पुलिस ट्राइज टू डू इट फॉर देयर ऑफिसर्स एंड मैन। एंड इवन अगर चोट लगी हो, या जैसे आई रिमेम्बर लॉ एंड ऑर्डर मैं जब हैंडल कर रहा था किसान रैली के दौरान, हम लोगों के सब इंस्पेक्टर्स उनके हाथ फ्रैक्चर हुए, कईयों को तलवार से उनको चोटें पहुंची, एंड वी डिड टेक केयर ऑफ देम। तो सर सिंघू बॉर्डर पर ये जो पूरा एक सिलसिला चला था, वो सिलसिला बहुत ही उसने भयानक रूप लिया था। जब हम 26 जनवरी के उस समय की बात करें तो उस भयानक रूप में भी आप लोगों को बड़ी स्थिरता से काम करना पड़ता है, एंड ख़ास तौर पे अगर मैं आपकी बात करूं तो आपने भी ग्राउंड लेवल पर उस पूरे एजिटेशन को संभालने में एक बड़ा रोल जो है अदा किया था। तो आप किस तरह से याद करते हैं उस समय को? दोज़ आर डिफ़िकल्ट टाइम्स, और ख़ासकर जब आप देखें कि एक लाखों की भीड़ वो भी ट्रैक्टर्स के ऊपर चली आ रही है, एंड ट्रैक्टर्स के आगे मेरे को याद है घोड़े पे सवार निहंग और उनके हाथों में तलवारें, एंड हम लोग खड़े हुए और वो घोड़े विद तलवार चार्जिंग टुवर्ड्स यू, इट्स नॉट इजी। रोज के लाइफ में जब छोटी 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 कुछ ना कुछ हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, कभी ऐसी कोई बड़ी परिस्थिति आ भी जाती है, तो एट दैट टाइम हाउ डू यू मेक श्योर कि जो आपके लाइक द मेन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म हु आर देयर सर्विंग अलोंग विद यू, उन सबका जो एक मोटिवेशन लेवल है वो बना रहे, क्योंकि उस मौके पर आपकी प्रेरणा एक बहुत बड़ा जो है काम देती है। अगर ये किसान एजिटेशन लिया जाए तो वॉज अ टाइम वेन जब ये पंजाब से चले हुए हरियाणा बॉर्डर पे जब पहुँचे थे, एंड हम लोग कम लोग थे डेफिनेटली, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा थे, बट टू हैव स्टॉप देम ओवर देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट रिक्वायर्स
a lot of leadership and courage. And we did stand up there. We did not. That is why they were stopped. So the officers and men, जो हम लोग के साथ थे उस वक्त, they played a remarkable role. बहुत बढ़िया काम किया. नहीं तो आप समझ सकते हैं उसी वक्त अगर लाखों लोग अगर दिल्ली के अंदर आ जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर, उसके रिपरकशंस और प्रॉब्लम्स और कितनी बढ़ जाती. इस तरह की जीत के बाद भी आप लोग कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि आने वाले समय में हमें इस तरह की परिस्थिति का दोबारा सामना ना करना पड़ सके. कुछ इस तरह का होमवर्क भी पुलिस हमेशा करती है? डेफिनेटली, लॉट ऑफ प्रिपरेशन गोज अराउंड. बेसिक पुलिसिंग जो है, जो थाने के अंदर जो हमारे लोग हैं उनकी ट्रेनिंग पे तवज्जो, चाहे पीटीसी के अंदर हो चाहे फील्ड के अंदर जब आ जाते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनका, उनको प्रोफेशनली अपडेट करते रहना जी. और अगर आपका ग्राउंड लेवल के ऊपर आप देखें तो पुलिस की प्रेजेंस किस तरीके से, अगर जैसे आप मान लीजिए स्नैचिंग है तो स्नैचिंग का एनालिसिस, स्नैचिंग को रोकने के लिए कहाँ कहाँ पे नाके लगने चाहिए, किस वक्त पे लगने चाहिए. कोविड जब आया तो एक बात तो तय कि आई रिमेम्बर कि उस वक्त ना तो ट्रेनें चल रही थी, ना हवाई जहाज एयरपोर्ट बंद थे, बसेस नहीं थी, गाड़ियां नहीं थे, कुछ सड़क पे सड़क ऐसा मंजर था जो पहली बार लोगों ने देखा था पूरी दुनिया. सो देयर वाज नो वन ऑन द रोड, बट दिल्ली पुलिस खड़ी थी वहां पे शमशान घाट के ऊपर. जो हम लोगों के लोग जो पोस्टेड थे, डिप्लॉयड थे, उन लोगों ने कईयों को उनकी चिता को जो आग लगाई, बिकॉज जो नियर एंड डियरेस्ट जो भी थे वो भी शमशान घाट उस वक्त नहीं आना चाहते थे. दिल्ली पुलिस में अपनी वर्दी के प्रति शौर्य से भरे जवानों की तैनाती ये बताती है कि राजधानी में अपराध या अपराधियों के किसी भी कृत्य का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इस कानून व्यवस्था की बागडोर दिल्ली पुलिस के हाथों में है. दिल्ली पुलिस का हर जवान अपने आप में एक योद्धा है जो कर्तव्य पथ पर अपना सर्वस्व समर्पित कर दिल्ली को हमेशा सुरक्षित रखते हैं और समय आने पर दिल्ली की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने प्राण तक न्योछावर करने से पीछे नहीं हटते. दिल्ली पुलिस के जवान मात्र सुरक्षा कर्मी नहीं, ये दिल्ली के नागरिकों का विश्वास है, जन जन का भरोसा है और खाकी का मान है. सर, आपको कहां से ये जज्बा मिला, आपको कहां से प्रेरणा मिली, कब आपके दिल ने ये ठान लिया कि मुझे वर्दी पहननी है? नहीं, वो तो देखिए, आप सिविल सर्विसेज लेते हैं सो यू हैपन टू गेट द सर्विसेज एज पर योर रैंक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ इट. बट देन ऑफ कोर्स इफ आई लुक बैक इफ आई थिंक आई वुड ऑलवेज वांटेड would be a cop and would want to work as a cop. No other job would have been there for me. Sir, आपने अभी एक बात कही थी कि जो community policing है उसका एक बहुत बड़ा role रहता है, तो community policing में अगर हम दिल्ली पुलिस की बात करें तो आप लोग किस तरह से उसकी तरफ कदम उठाते हैं? देखिए, community policing आप अगर सही मायने में देखिए, जितना काम दिल्ली पुलिस करती है अगर आप बाहर की फोर्सेस में भी देखें, उतना उनका कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट या कम्युनिटी के अंदर इंटरेस्ट की उनको जोड़ा सा है हमारे साथ नहीं होगा. चाहे सीनियर सिटीजन्स हों उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, विमेन हैं उनके लिए हम लोग कई तरह के प्रोग्राम्स तो हम लोग चलाते हैं, उसमें उनको ट्रेन करते हैं सेल्फ डिफेंस के अंदर. बहुत सारे कई सारे स्कूल्स को हम लोग जाके टच करते हैं जिससे कि उनकी ट्रेनिंग हो, चिल्ड्रेन हो, तो जितने अलग अलग वर्ग हैं, और कोशिश हमारी यही होती है कि उनको अपने साथ जोड़ा जाए, स्पेशली द वीकर एंड द वल्नरेबल सेक्शन. What difference do you feel as an individual, because you have worked on the front as well as in like ACP, DCP and then aap log jab aage badhte chale jaate hain, today you are the special commissioner of police. So aapko kis tarah se hierarchy mein working mein difference nazar aata hai, ya phir aapko jo lagta hai ki ab jo role hai aapka wo aapka ek wider role ho jata hai to play because you have to go have that leadership to guide your men. Jab aap ACP लेवल पे होते हैं तो आपका कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर मैन काफ़ी होता है. स्टिल DCP नाउ इवन अब तो इवन आई वुड से एज यू ग्रो हायर आपके नंबर्स ऑल्सो इंक्रीजेज.
सो योर विजन हैज टू बी अ पार्ट ऑफ अ मच बिगर फोर्स, और उनको कैसे आप ऑन ग्राउंड इफेक्टिव रखें और क्या क्या चीज आप मुहैया कराएं, क्या क्या चीजें आपको छोटी छोटी मतलब थिंग्स आर लाइक आप देखिए कि बीट सीसीटीवीज, अगर सीसीटीवीज आपको पूरे दिल्ली के ऊपर लगाने हैं तो यू नो इट हैज टू कम फ्रॉम टॉप डाउन, देन यू प्लान फॉर द अ वाइडर विजन इज रिक्वायर्ड, एंड चाहे अब जैसे वाटर कैनन आपका हो गया या आपकी वज्र व्हीकल हो गई जो कि लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करती है, तो उनका अपग्रेडेशन जरूरी है विद अलॉन्ग विद टाइम, द टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ऑफ द इक्विपमेंट विच यू हैव व्हाट यू डू दैट इज वेरी बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट. नए नए आप अगर देखेंगे तो इनिशियली थोड़े टाइम पहले साइबर क्राइम बहुत लोगों को पता ही नहीं था. अब आज के टाइम पे ड्यूरिंग कोविड मेरे को ध्यान पड़ता है, कोविड शुरू हुआ नहीं एंड वी वर गेटिंग बिहार उड़ीसा वहाँ से लोग साइबर फ्रॉड क्राइम कर रहे थे. सो वी हैड टू सेंड आवर टीम्स, हम लोगों ने बिहार वहाँ पे स्टेशन की हुई थी एंड वी टुक इमीडिएट एक्शन. तो विद इन 5-7 days हम लोगों की प्रेजेंस वहाँ पे और जो हम लोगों ने जो पकड़ धकड़ वहाँ पे हुई उससे वो इट वाज निप्ड इन द बड, वो ज्यादा फैल नहीं पाया. प्रहरी नाम की आपकी एक योजना रही है जिसमें आप लोग जितने हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या चौकीदार होते हैं इन लोगों के साथ आप लोग मिलकर समाज में कानून व्यवस्था को और दृढ़ करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो एक सोच है इसके बारे में आप हमें बताइए कि इसका जो आधार है वो क्या है, क्योंकि एक चौकीदार या एक स्ट्रीट वेंडर वो दिल्ली पुलिस के किस काम आ सकता है. जो प्रहरी जो है चाहे हमारे आईज एंड ईयर्स की तरह काम करते हैं या स्ट्रीट वेंडर्स हुए, सो दे एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर्स. तो अगर कोई वारदात हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई इंटेलिजेंस इनपुट हो, वी हैव टू बी बैंक अपॉन दीज पीपल, दे आर आर वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज. तो एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, एज अ आईज एंड ईयर्स, दे आर वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो आप लोग ट्रेनिंग भी देते हैं उनको, कुछ प्रशिक्षण? बिल्कुल, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बेसिक जो वहाँ पे जो RWS के साथ है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके नाकेबंदी का कहाँ पे किस तरह से गश्त करनी है, किधर जैसे अगर हमारा जो बीट कांस्टेबल है जो कि एरिया में जाता है उसके साथ उनका लियाजन रहता है, कोऑर्डिनेशन रहता है, संपर्क रहता है पूरे टाइम. अगर कोई बात हो या कोई भी इनपुट हो, इंटेलिजेंस हो, वो शेयर की जा सके. तो इसका मतलब जो हमारे नागरिक हैं वो दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं. बहुत ज़रूरी है, और हम लोग तो अपील भी हमेशा करते हैं, खासकर आप देखें अगर ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है तो कई बार ऐसा भी पाया गया है कि कई लोग जबकि विक्टिम जो है वो सड़क पे पड़ा हुआ है और लोग रुकते नहीं हैं, और जबकि एज अ सिटीजन जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है, आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है. बिल्कुल, तो किसी के साथ भी हो सकता है. तो वन इज एक्सपेक्टेड कि यू शुड हेल्प दैट पर्सन, और उसके लिए तो काफ़ी हम लोग फिर बताते भी हैं कि भाई अगर आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो आपको आपके साथ ना तो आपको वहाँ पे आपको कोई अपना डिटेल या कोई तंग करने वाली बात हो या ऐसा कुछ भी नहीं है. तो अगर आप सिर्फ मदद करें, दैट इटसेल्फ इज दैट डूइंग अ ड्यूटी, और that is expected of you. So nice sir, it was wonderful talking to you. Lekin isse pehle ki hum aapse alvida le, here is a special segment and this is called Shilpa Bhata special. So it's a game show that you have to play with me. You have to be very rapid. It's a rapid fire round. Main kuch shabd kahungi, usko sunkar pehla shabd jo aapke zehen mein aata hai wo aapko kehna hai. Ready sir? So you have been quite competitive in sports, I feel. Very. I could actually smell that. Okay, so when I say law, what comes to your mind? Enforcement. Police. Public. Citizens. Responsibility. Delhi Police. The best. IPS. The best. It is also the best. And IPS Sanjay Singh. Way to go. Okay. And hopefully, jahan tak aap jayenge, hum hamesha aapke saath rahenge. Thank you so much for joining us. Thank you so much. Aaj aapse baatcheet karne ke baad, ek baat to tay ho gayi hai ki agar koi bhi desh tarakki karna chahta hai, aage badhna chahta hai, to us desh ke nagrikon ko aur us desh ki kanoon vyavastha banaye rakhne wali sanstha ko, dono ko saath milkar
आगे बढ़ना जरूरी है। पुलिस वाले तैयार हैं तो हम नागरिकों को भी तैयार होना है। आज के लिए शिल्पा भावना को इजाजत दीजिए, अगली बार फिर करेंगे आपसे मुलाकात, ओनली ऑन एक मुलाकात शिल्पा भावना के साथ। जय हिंद।